लवली व्यूर्स एंड ऑल माई स्टूडेंट्स दोज हुव ऑलरेडी सीन माई प्रीवियस वीडियोज जिसमें कि मैंने गूगल फॉर्म पर आपको कैसे क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करना है बाई हेल्प ऑफ लैपटॉप प्लस बाई हेल्प ऑफ मोबाइल ऑलरेडी इट इज गिवेन इन माई चैनल आप देख सकते हैं वहां जाके लेकिन एक क्वेरी आ रही है कि जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो आप उसको सबमिट कैसे करें स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स की उनको मुश्किल आ रही है ऐसे क्वेश्चन पेपर्स में जिसमें कि किसी फाइल को अटैच करने की जरूरत है एंड लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स आस्ट मी पर्सनली एज वेल एज ऑन YouTube ट्यूब ऑल्सो कि हाउ टू डू दैट तो मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर दिखा रही हूं जिसमें कि ये ऑप्शन आपको दी गई रहती है साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि आप इसमें कैसे अपने नोटबुक पर बनी आंसर्स को भी अटैच कर सकते हैं तो आप जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर मैंने गूगल फॉर्म पे बनाया है मैथ्स टेस्ट पेपर का इसका मार्क्स टेन है और ट्वेंटी मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन है फर्स्ट ऑप्शन तो मिलेगी आपको फिल डिटेल्स की जब टीचर्स जैसे बना रहे हो तो ये भूले ना कि उनको फर्स्ट ऑप्शन जो है वो डिटेल्स की देनी है जिसमें स्टूडेंट्स अपने डिटेल्स फिल करेंगे अब मैंने एक मैथ्स का क्वेश्चन पिक किया हुआ है आप देख सकते हैं मेरे सेकंड ऑप्शन में जब मैं मैथ्स का क्वेश्चन लिख रही हूँ तो डेफिनेटली मुझे ये चाहिए कि स्टूडेंट मुझे इसके आंसर्स भेजे तो मैं मल्टीपल चॉइस ऑप्शन में जाऊँगी और यहाँ जाने के बाद मैं ये फाइल अपलोड को पिक करती हूँ ठीक है जब आप फाइल अपलोड को पिक कर लेते हैं तो आपको फाइल डिटेल्स मानी मांगी जाती है जिसमें वो आपसे पूछेगा कि आपको फाइल की डिटेल रखनी है मतलब आपको कैसा रखना है फाइल डिटेल तो आपने यहाँ पे अटैच करना है यहाँ पे मैं ऑप्शन दे रही हूँ ये देखिए फाइल अपलोड का ठीक है फाइल अपलोड ऑप्शन चूज़ करने के बाद क्या लिखा हुआ लेट रिस्पोंडेंट्स अपलोड फाइल टू ड्राइव्स यानी आप अलाउ कर रहे हैं स्टूडेंट्स को कि वो अपनी फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं ठीक है थीके? तो ये मैंने कर दिया कॉन्टिन्यू ओके okay, और इसके बाद अब मैंने देखिए आपको फिर ऑप्शन आ रही है कि किस तरह की फाइल्स आप अलाउ कर रहे हैं अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल्स अगर आप इसको स्वाइप राइट right कर देते हैं इस तरह से तो आपको फिर ऑप्शन आती है कि इसमें से किस तरह की फाइल चाहिए तो डेफिनेटली अगर आप मैथ्स का क्वेश्चन अटैच कर रहे हैं आंसर्स अटैच कर रहे हैं या फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स अटैच करें या केमिस्ट्री के रिएक्शंस अटैच कर रहे हैं तो आपको ई चाहिए होगी या फिर पी चाहिए सॉरी पी डी चाहिए होगा ओके okay? तो हमने ये दोनों ऑप्शन को ओके okay कर दिया ये टीचर को करना है अगर वो टीचर अलाउ कर देते हैं तभी स्टूडेंट्स इसको अपलोड कर पाएंगे और मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स क्या है हमने एक डाली आप यहाँ ऑप्शन से पाँच दस बढ़ा भी सकते हैं ठीक है तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ रही हूँ और मैक्सिमम फाइल साइज टेन एम जरूर रखिए इससे कम मत रखिए क्योंकि एक पेज भी अगर आप अटैच करते हैं तो वो तीन से पाँच एम की हो जाती है यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन देख रहे हैं कि चेंज करने का भी ऑप्शन है बट मैं नहीं कर रही हूँ बट अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप कर सकते हैं ओके इसको रिक्वायर्ड uh, कर दिया है ताकि ये जो है स्टूडेंट्स को डाले ही डाले और अब ये फाइल इसका आंसर जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है वो आपको स्टूडेंट को डालनी पड़ेगी ठीक है अब मैं इसको कंटिन्यू कर देती हूँ ये देखिए इस तरह से मैंने कंटिन्यू कर दिया और अब जो है मैं इस फाइल को जो है सबमिट करती हूँ अब मैं स्टूडेंट को दे रही हूँ तो मैं सेंड करती हूँ ताकि स्टूडेंट देखे कि रिस्पॉन्ड कैसा दिखता है सेंड ऑप्शन के बाद आपको जो मिडिल बटन है जिसमें लिंक दिख रही है यहाँ क्लिक कीजिए तो आपको एक यू आ जाती है आप इस यू आर को टिक कीजिए तो मैंने प्री, प्रीवियस वीडियो में भी बता दिया था आप देख सकते हैं उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मैंने उसके लिंक दे दिए कॉपी कर दीजिए और एक नया टैब खोलिए यहाँ पे स्क्रीन पर ठीक है यहाँ नया टैब खोलते हैं हम और यहाँ जाके उसको पेस्ट करते हैं ये देखिए पेस्ट जब आप पेस्ट कर देते हैं तो आपका नया स्क्रीन खुलेगा जिसमें कि आप जो है आंसर्स फिल कर पाएंगे ये देखिए अंटा अब पेस्ट कर रही हूँ मैं ये खुल गया मेरा फर्स्ट स्क्रीन अब मुझे ऐड फाइल का ऑप्शन आप देख सकते हैं दिखा रहा है तो मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ ऐड फाइल पे जाके ओके okay, और उसके बाद यहाँ आपको ऐड करने के लिए ऑप्शन आ रही है देखिए आप किस तरह की फाइल ऐड करना चाहते हो तो मैंने इमेज को चेक पिक किया क्योंकि मेरे पास अभी कोई भी इमेज नहीं ऑप्शन तो हैं मैं कैमरा से ले सकती हूँ या फिर मेरे पास अगर पहले से कोई पिक्चर तो पहले से तो आपके पास होगी नहीं क्योंकि आप तो एग्जाम दे रहे हैं तो आप ये कैमरा ऑप्शन को क्लिक करें और अब आप अपने कैमरा से को अलाउ कर दें थोड़ा सा टाइम टेकिंग है ये बट बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है और आप इसको वहाँ से कैमरे से तो आप पिक्चर ले ही सकते हैं इसके अलावा जब ऐड फाइल का जो ऑप्शन आ रहा है आपके स्क्रीन पर जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें आप कोई ये देखिए यहाँ से आप कोई अपलोड फोटोज है आपके पास जो पहले से फोटोज हैं वहां से भी आप किसी भी पिक्चर को सपोज मुझे इस पिक्चर को ऐड करना है तो मैंने इंसर्ट किया सेलेक्ट किया और इंसर्ट किया अब आप देख रहे हैं कि वो पिक्चर और आ चुकी है मेरी स्क्रीन पे ये देखिए है ना इस तरह से ये पिक्चर मैंने इस फाइल को यहाँ पे ऐड कर दिया इसका टाइटल रखना चाहते हैं तो रख दीजिए जैसे कि मैंने फिगर रख दिया आप यहाँ पे सॉल्व डांसल के पिक्चर भी ले लीजिए और उसे यहाँ अटैच कर दीजिए लाइक दिस और आप देखिए कि ये कितना आसानी से यहाँ पे ऐड हो चुका है आपकी स्क्रीन पर और यही प्रोसेस आपको फॉलो करनी है और उसके बाद अपना फॉर्म क्या कर देना है सबमिट कर देना है जैसे सपोज ये क्वेश्चन के लिए आप ये आपने ये फिगर अटैच कर दी ओके दिस इज डन और बस ये इतना सिंपल प्रोसेस है इसके बाद अपना फॉर्म सबमिट कर दीजिए और आपका काम हो जाएगा खत्म तो होप कि आप समझ गए होंगे कैसे आपको किसी भी फाइल में जो सबमिट करना है सबमिट करने के बाद आपको व्यू स्कोर का ऑप्शन आएगा और आप उसको व्यू स्कोर कर सकते हैं और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा जैसे फिल डिटेल में भी मान लीजिए मैं आठ फाइल पे क्लिक करूंगी और मुझे ऑप्शन आएंगी यहाँ पर फाइल अपलोड की ऑप्शन आ रही है देखिए तो मैं यहाँ पे फाइल अपलोड कर रही हूँ कोई भी जो टीचर ने मुझे फाइल अपलोड करने की पॉसिबिलिटी दी है मान लीजिए मैं वापस फिर पिक्चर पर जाती हूँ और यहाँ से मैं कैमरे पर जाऊँगी तो इस तरह से मेरी खुद की इमेज अपलोड हो जाएगी ठीक है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अगर आप समझ गए हैं या फिर इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी है तो वो आप मुझे पूछ सकते हैं Um, do do not forget to watch my other videos and thanks for loving caring and following and subscribing and sharing my videos good luck good luck for all the exams all the online exams thank you students bye-bye